सब्सक्राइब कीजिए इस खावतली टीवी यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल के निशान पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट खावत अली एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खावत अली टीवी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त सऊदी अरब में रहते हैं, उनके अकामे ख़त्म हो चुके हैं, या हरूफ लगा है, या अकामा बना ही नहीं है, या कामे पर कोई मसला है, वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। इस वीडियो में आप दोस्तों को यही बताऊंगा किस तरह आप अपने मुल्क जा सकते हैं सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का निशान आएगा उस पर लाजमी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप दोस्तों को मिले, आप दोस्त बहुत आसानी से देख सकें। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका हरूफ लगा है, या अकामा ख़त्म हो चुका है, या अकामा बना ही नहीं, या कोई भी अकामे पर मसला है, आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आगे बढ़कर आप दोस्तों को नंबर दूंगा जिस नंबर से आप रब्ता कर लेते हैं, तो ये आदमी आपको 3 दिन के अंदर अंदर आपके मुल्क में पहुँचाएगा। ये बहुत ही कम रेट में आपको अपने मुल्क बचाएगा, ये बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप भी अपने मुल्क जाना चाहते हैं, आपका अकामा ख़त्म हो चुका है, बना ही नहीं, या अकामे पर हरूफ है, या कोई अदर मसला है, फिर भी आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है। आप अपने मुल्क जाने के लिए इस आदमी से रابطہ करेंगे, ये आदमी आपको 3 दिन के अंदर अंदर बहुत ही कम पैसों में आपके मुल्क में पहुँचाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।